नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। इस वक्त हम झारखंड के जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के एक गांव जो कि बांदाजोरी गांव जिसे कहते हैं, हम वहां पर मौजूद हैं। और आज हम इस गांव के बारे में जानेंगे और यहां के लोगों से इस गांव के बारे में जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो विधायक है, विधायक से वो खुश हैं, क्या यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं, आखिर यहाँ के लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं क्या वो पूरी हो रही हैं, आखिर गांव और ग्रामीण के लोग जो यहाँ के लोग हैं वो चाहते क्या हैं। आखिर देखिए, यहाँ पर सेकंड फेज में चुनाव है, जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में सेकंड फेज में चुनाव है, यानी कि 20 नवंबर को चुनाव है, 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो भी यहाँ से प्रत्याशी चुना जाएगा वो विधायक बन जाएगा। लेकिन फिर चीजें वहीं पर आ जाती हैं कि क्या उसके बाद भी विकास होगा और क्या गाँव का विकास हुआ है, यहाँ के जो ग्रामीण है वो खुश है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। कुछ लोग भी हैं, कुछ महिलाएं ग्रामीण, उनसे बातचीत करें। क्या नाम है आपका? अरे शर्माइए मत, शर्माइए मत, शर्मा आ गए आप तो। वोट करने जाएंगे आप ना? चले कोई नहीं, एक और लोग हैं। क्या नाम है? मैं नहीं जानता है हिंदी मतलब। आपका नाम जानती है? अपना आपका नाम? मेरा नाम मंगोली मुर्मू। मंगोली, हाँ मंगोली मुर्मू जी। अच्छा, यहाँ पर बात की जाए तो बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल स्कूल है यहाँ पे? है। तो यहाँ पर खुश हैं आप काम से? यहाँ पर खुश हैं? सड़क मिल रही है, पानी मिल रहा है, इस सब मिल रहा है आप लोग को? जो आप लोग को चाहिए गांव के अंदर वो सारी चीजें मिल रही हैं आपको? मिल रही है। चलिए, और भी हैं, एक बुजुर्ग अम्मा भी हैं। चाची क्या नाम? शर्मा आ गई, शर्मा आ गई। कोई बात नहीं, एक लोग हैं उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हाँ देखिए, शर्मा आ गई चाची। गांव में हम आपके आए हैं और हम जानना चाहते हैं कि क्या आपके गांव में क्या जो काम हो रहा है, आप लोग खुश हैं आपके गांव में काम हो रहा है? क्योंकि सभी नेता आते हैं, हमेशा कहते हैं कि हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, काम हो रहा है आपके गांव में? स्कूल है आपके गाँव में? स्कूल है, और मतलब बच्चों के लिए शिक्षा। अच्छा, आप लोग क्या कोई बीमार पड़ जाता है तो आप लोग कहाँ जाती हैं? नंदा जाइए। अच्छा अच्छा, कोई बीमार हो जाता है आपके यहाँ किसी के? तो थोड़ा हिंदी नहीं समझ पाती हैं। चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे इस गांव के बारे में जानने के लिए। देखिए, हम आपको एक बार कहेंगे अपने कैमरामैन से इस गांव को एक बार जरा दिखा दें यहाँ पर। और खपड़ैल का ये पूरा घर बना हुआ है और ये घर भी काफी सुंदर होते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात की जाए, देखिए विकास की बात की जाए तो अक्सर जो है चुनाव से पहले जितने भी लोग हैं वो आते हैं यहाँ पर, चाहे विधायक हो, चाहे जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर आते हैं, और उसके बाद प्रत्याशी वोट मांगते हैं कि विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। लेकिन क्या विकास होता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और हो रहा है तो उससे ग्रामीण कितने खुश है? और देखिए, गांव के हालात जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको विकास के बारे में समझना है तो गांव के हालात को भी समझना ज़रूरी है, और गांव के हालात को आप जितना समझेंगे विकास के बारे में भी उतना ही समझेंगे। एक और चाची हैं। चाची क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राशन निवास के। अच्छा, ये बताइए आपके गांव में विकास हो रहा है? नहीं, उतना नहीं बोल पाएंगे सर। कोई बात नहीं, आपको आपको जो भी आपको जो चाहिए होता है वो आपको मिल रहा है, आप लोग को लग रहा है कि बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, नौकरी मिल रही है, यहाँ पर पानी वानी आपके यहाँ पूरा व्यवस्थित आ रहा है? हाँ, तो पानी तो बहुत दरकार है, टाउन में घर किया तो वहाँ पर पानी नहीं है। अच्छा, हाँ साज बोल रहे हैं सर। अच्छा, तो वहाँ पर बहुत दूर से पानी लाने पड़ रहा है। अच्छा, कितनी दूर से पानी लाना पड़ रहा है? बहुत दूर से, वहाँ पर गए जब ये रास्ता चला गया ना ऊपर में, तो बड़ गाछ है तो वहाँ पर दो तीन ठो घर किया था। पानी नहीं है, पानी का ही नहीं है, जरूर नहीं। मतलब पानी की समस्या है यहाँ पे। और किस तरह की समस्या है आपके यहाँ गाँव में? शौचालय वौचालय बनाए यहाँ पे? हाँ हाँ बनाया, शौचालय उचालय, महिलाएं शौचालय बनाया। अच्छा, आप लोग यहाँ कोई बीमार पड़ता है, किसी की तबीयत खराब होती है तो कहाँ जाते हैं? अस्पताल है यहाँ पे? हाँ, अस्पताल अस्पताल और डॉक्टर से खुश है आप? सरकारी जाता है।
हाँ, तो सरकारी अस्पताल में सुविधा सारी मिलती है आप लोगों को? नहीं तो कहाँ सुविधा मिलता है। अच्छा, मतलब खुश नहीं है आप, उतनी सुविधा नहीं मिलती आपको? तो हमको पानी का खुद जरूरत। अच्छा, पानी पानी का जो है। घर में कमाने वाले कितने हैं आपके? कितने लोग कमाते घर में? कहाँ जी कमाता है, हम तो उसका पापा भी नहीं है। अच्छा, तो घर में कैसे आप लोग के मतलब खर्चा वर्चा चलता है? नहीं तो बहुत टान, धान नहीं हुआ दो तीन साल नहीं हुआ धान, तो बहुत महंगा है, चाल गिन गिन के कितना मिलेंगे। हाँ ठीक है, तो देखिए पानी की समस्या बता रही हैं, पानी की समस्या है, काफी दूर जाती हैं चाची पानी लेने के लिए, और इस समस्या को देखना पड़ेगा। और कह रही हैं जाते हैं सरकारी अस्पताल भी जाते हैं हम लोग, लेकिन उस सुविधा से खुश नहीं लग रही हैं। चलिए और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। देखिए हम यही बार बार बात कर रहे हैं कि जो गाँव के लोग हैं, गाँव के लोग बताते हैं कि आखिर विकास कितना हुआ है, क्योंकि अगर विकास पहुँच रहा है तो मतलब गाँव तक भी पहुँचना चाहिए। विकास सिर्फ शहरों तक का ही नहीं होना चाहिए, गांव का विकास भी होना चाहिए, और ये विकास कितना हो रहा है ये भी समझेंगे। बहुत लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी जानेंगे, और गांव की यही खूबसूरती है, ये खूबसूरती हम आपको गांव की दिखा रहे हैं। देखिए बड़ा अच्छा लगता है जब गांव के लोग एक साथ, ये चीज़ आपको शहरों में देखने को अमूमन नहीं मिलती है, गांव के लोग एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं और हर चीज़ पर चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिसार किस्कू। अभिषार, अभिषार किस्कू जी, अभिषार किस्कू जी, क्या लग रहा है इस बार आपके यहाँ गांव में विकास हो रहा है, और जो भी प्रत्याशी आता है वोट मांगने के लिए, तो आप लोग क्या देख रहे हैं इस बार प्रत्याशियों में, और क्या देखकर वोट करेंगे आप लोग? क्या यहीं पर हमको विकास हम खोजते हैं, यहाँ पे चपाकल बहुत कष्ट है हमको। अच्छा। देखिए पानी देखिए कितना ऊपर में चपाकल है, वहाँ पर है, इसी में नीचे में है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत हमको तकलीफ हमको लगते हैं। ये हमारा एक तो हम विकास हम खोजते हैं, ये कौन विकास कर दे एक तो। अच्छा, क्या पानी की समस्या है आपके गांव में? पानी वानी आता है आपके गांव में? नहीं नहीं, नहीं आता नहीं। तो कहाँ से पानी लेने आते हैं आप? हम वहीं से, बहुत दूर दूर से आ रहा है। अच्छा, और कोई घर में बीमार हो जाता है तब क्या करते हैं आप लोग, कहाँ जाते हैं? यहाँ एक ठोई खुला हुआ है, यहाँ एक ठोई नहीं तो हाँ एक ठो यहाँ अस्पताल खुला हुआ है, और टेबलेट सब ये तो मिलते हैं। क्या मतलब डॉक्टर रहते हैं वहाँ पे? नहीं नहीं रहते हैं, कभी कभी आ रहा है वो कुंभपंडर से। अच्छा अच्छा, चलिए और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है चाची आपका? निर्मली मुर्मू। निर्मली मुर्मू जी, बड़ा प्यारा नाम है चाची आपका। हाँ, आपकी मुस्कान भी बहुत सुंदर है। अच्छा चाची, ये बताइए कि आपके यहाँ काम हो रहा है आपके गांव में, क्या किस तरह से देख रही है आपका गांव विकास हो रहा है आपके गांव में, पानी मिल रहा है, स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है कि नहीं? तकलीफ है, तकलीफ है पूरा। कहाँ से लाती है पानी? पानी बोला ना, आगो में एक चपाकल है, नीचे में दो गो, तो कहते बाल्टी बाल्टी लाता है तब ना पीते हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की किसी से कि हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है? कैसे हमने तो जानी बेटी कैसे जाएगा, उसको बोल नहीं सकेगा। और सरकारी लाभ मिल रहा है आप लोगों को? जो सरकार की तरफ से लाभ था वो सब लाभ आप लोग को मिल रहा है? हाँ। किस तरह, कौन कौन से लाभ मिल रहे हैं आप? कौन से जो लिखाया है पैसा महीना में 1,000? अच्छा पैसा। अच्छा, मैया सम्मान योजना। हाँ। मैया सम्मान योजना मिला। अच्छा, क्या चाह रही हैं आप लोग, किस तरह का आप चाहती हैं विधायक हो, और क्या किस तरह के विधायक को वोट करना चाह रही हैं आप लोग इस बार? ओ वोट के बोलते ना। हाँ, किस तरह के विधायक को वोट करना चाह रही हैं, मतलब क्या चाहती हैं, अपने विधायक में क्या देख रही हैं? चप्पल अपा चप्पल बना दीजिए, पानी के हमने को तकलीफ हो रहा ना, घर घर द्वार के। अच्छा, और भी कुछ महिलाएं हैं, देखिए। हम हमारा एगो घर है, देखे ना, यही पीछे तो घर नहीं। अच्छा, घर के लिए बाल बच्चा नहीं हमारा। अच्छा, नहीं तो क्या, कौन कमाता है घर में? कोई नहीं, बेटा था ना यही पचे चा उसके हम। ओ, क्या नाम है आपका? मधु किस्कू। मधु किस्कू जी, मधु किस्कू जी, क्या चाहिए प्रत्याशी में इस बार, क्या देख रहे हैं, क्या सोचकर वोट करेंगे?
आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही? चलिए कोई नहीं, हम थोड़ा और इसको सरल बनाते हैं। यहाँ पर आप लोग के यहाँ पानी वानी आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पे? नहीं 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 मिल रहा। घर नहीं, घर भी नहीं मिला है। घर नहीं मिला है। अच्छा, घर भी नहीं मिला है। और पानी? पानी वो नहीं मिल, पानी भी नहीं है ना। अच्छा, कोई किसी कोई बीमार पड़ता है तो कहाँ जाते हैं आप लोग? सरकारी। अच्छा, वहाँ दवाई वाई मिलती है? हाँ मिलती है। कुछ लोग हैं जो थोड़ा हमारी बात को समझ। हाँ, पानी बाहर है। अरे इधर आइए ना, हमारे पास आइए ना। हाँ, बाहर है। क्या नाम है आपका? हम बता दिए अभी सर किसको आपका। अच्छा, अभिसार किसको जी? हाँ, आप बता दिए। हाँ। अच्छा, देखिए दिखा रहे हमको, आइए आइए, और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। कुछ लोग हैं जो थोड़ा बेचारे नाखुश भी हैं और थोड़ा। क्या नाम है आपका चाची? शांति हंसदा। शांति हंसदा जी, क्या नाम है। शांति हंसदा जी, बताइए क्या लग रहा है इस बार, किस प्रत्याशी में क्या देख रही हैं आप लोग? सब तो आते हैं आपके यहाँ वोट मांगने के लिए, लेकिन विकास करता है? नली भी नहीं है हमारा गाँव में, दिन रात गद्दा पानी ये करते हैं इधर उधर से। इसके बाद चापाकल भी नहीं है मेरा गांव में, उधर में है इधर में नहीं है। कितना तकलीफ है पानी में हम लोग के, तरपे घर भी नहीं है। अब बीमार पड़ते हैं, असल में पैसा कुड़ी नहीं है, कहाँ से दवा ये करेंगे। लेकिन लोग तो कहते हैं कि नहीं, हमने विकास कर दिया है, गाँव तक विकास पहुँच गया है। कहाँ विकास भी नहीं है, इतना दूर से कोई भी गांव में है कोई भी गांव में नहीं है। नहीं, सरकारी लाभ मिला? नहीं मिला है। एक को नहीं, कुछ नहीं मिला? मैया समान नहीं मिला है। आपको नहीं मिला? नहीं। अच्छा, तो इस बार क्या आप, जब आपके यहाँ कोई वोट मांगने आएगा तो आप उससे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम लोग को कुछ व्यवस्था करेंगे तो तब भी देंगे वोट, नहीं देंगे वोट कहाँ से देंगे। क्योंकि सब तो आते हैं वोट मांगते हैं, तो जिसका भी पसंद है उसका भी देंगे। मतलब काम आपके यहाँ जो कराएगा उसी को वोट करेंगे तब। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? सिमली हेमराम। सिमली जी, सिमली हेमराम। सिमली हेमराम जी, हाँ बहुत प्यारा नाम है चाची का। चाची ये बताइए, इस बार आपके आपके घर आपके क्षेत्र में पानी वानी आ रहा है? आपके क्षेत्र में मिलता है पानी वानी? नहीं मिला। नहीं मिलता? नहीं मिलता है। तो कहाँ से लाती है पानी वानी? उधर से, इधर से। कितनी दूर जाना पड़ता है? दूर से जाना पड़ता है उधर। अच्छा। और इधर में उधर देखे ना, चापक लेकर झगड़ा हो जाते हैं हम लोग को। अच्छा, तो पानी आनी नहीं है। अच्छा, लाइट वाइट आती है आप लोग के गांव में? हाँ लाइट में है, लाइट आती है आप लोग के गांव में? बिजली बिजली आ रही है आपके यहाँ? हाँ कभी कभी आते, कभी कभी चल जाता है। कितने कितने, मतलब कब आती है कब चली जाती है, कितने कितने घंटे रहती है बिजली? कितना घंटा रहते है इतना नहीं बोल सकेगा। तो हमको घर नहीं, हम लोग को घर नहीं है, नहीं है, घर चाहिए, घर चाहिए। अच्छा ये, और आपके यहाँ नाली वाली है? नाली चाहिए, नाली नहीं है, देखिए ना नहीं है नाली, नहीं नाली। अच्छा ये बताइए कि आप लोग को पानी फिर कैसे आप लोग मैनेज करती हैं? पानी कैसे जब लाती हैं तो फिर पानी कहाँ से लाती है? दूर से लाती हैं? हाँ दूर से लाती है, उधर से और उधर से, तो वहाँ से थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। अच्छा, टेंशन हो रहा है। हाँ टेंशन हो रहा है चाची। हम बोल रहे हैं हम लोग को यहाँ पानी आने लाना तो बढ़िया होगा। अच्छा होगा। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? हम लोग का बबली हंसदा। बबली हंसदा। बबली जी, बबली जी ये बताइए क्या लग रहा है, आपके गांव में लोग आते हैं, बहुत प्रत्याशी आते होंगे वोट वोट मांगने, तो आपको क्या लग रहा है आपके गांव में विकास हुआ है, और आपके गांव में क्या नाली बनी है, सड़क बना है, पानी है, बिजली है? कुछ भी नहीं, नाली बनी है, बिजली तो है। अच्छा। टाइम भी नहीं रहेगा, बिजली भी नहीं रहेगा, लाइन भी नहीं रहेगा। अभी लाइट आ रही है? अभी तक रहते हैं बिजली, तब पर 9 बजे चला जाता है। अच्छा। 2-3 बजे आ जाएगा। अच्छा, मतलब देर देर तक लाइट। अच्छा, सरकारी लाभ मिल रहा है? नहीं है? अच्छा, एक उज्ज्वला योजना भी चला था केंद्र सरकार का, तो आप लोग को वो मिला है गैस वैस मिलता आप लोग? गैस हम लोग नहीं मिला है। अच्छा, नहीं मिला? नहीं। अच्छा, चलिए यहाँ पर और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पर नाली भी चाहिए। हाँ देखिए, यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका कहना, भाई नाली नहीं है, पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, तो देखिए समझना पड़ेगा। और इस गांव को आप देखिए, तो ये चीज जरूरी है कि गांव में कितना विकास हुआ है। और जो लोग हैं वो कुछ लोग नाखुश भी हैं, उनका कहना है कि भाई ना हमको नाली मिल रही है, यहाँ पर नाली नहीं है, और बारिश होती है तो पानी भर जाता है,
और कुछ लोगों का कहना है कि जो है पानी की व्यवस्था नहीं है, दूर दूर से लोगों को पानी लेने जाना पड़ता है, इससे इनको काफी प्रॉब्लम हो रही है। लाइट तो आती है लेकिन वो भी ज्यादा देर तक लाइट रहती नहीं है, बिजली कटौती की बात ये लोग कर रहे थे और कुछ लोग तो हम लोग की बात भी नहीं समझ पा रहे थे। चूंकि हम लोग जहाँ पर आए हैं ये आदिवासी पूरा इलाका है और कुछ लोग हिंदी उतना नहीं समझ पाते हैं, फिलहाल तब भी हम कोशिश कर रहे हैं लोगों की, जो यहाँ के लोगों की तकलीफ है वो जानने की, वो क्या सोचते हैं। देखिए मेन चीज ये है कि ग्रामीण क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर वोट देखिए सब मांगते हैं और वोट मांगते हैं और सभी ये चाहते हैं कि हमें वोट लोग करें, लेकिन क्या जो प्रत्याशी हैं वोट मिलने के बाद, क्या ग्रामीणों की जो बातें हैं, ग्रामीणों की जो भावनाएं हैं, क्या उस पर खरे उतर पाते हैं कि नहीं उतर पाते हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है और इसको सोचना जरूरी है, चाहे प्रत्याशी कोई क्यों ना हो। तो ग्रामीणों के विकास जरूरी है, क्योंकि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र का जितना से जितना विकास करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट आपको हमारे हिंदुस्तान को मिलेगा, क्योंकि अगर हमारा ग्रामीण इलाका बेहतर होगा, अगर हमारा ग्रामीण इलाका अगर सुंदर होगा तो विकास तो देश दुनिया में भी हमारा नाम होगा, चाहे वो ग्रामीण इलाका झारखंड का क्यों ना हो, यूपी का क्यों ना हो, उत्तराखंड का क्यों ना हो, कहीं का क्यों ना हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों का विकास होना बहुत जरूरी है और इस ओर भी सभी सरकारों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो मैं इस खास पेश का समय इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत तो खबरों के साथ बने रहने के लिए, देखते हैं न्यूज़ बाइस को, नमस्कार। बिहार के शीर्ष नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी आईटीओ मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन।